वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआओं की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज की रेसिपी है ब्राउनी मफिन्स की। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, और इसके साथ इसकी फ्रॉस्टिंग भी तैयार करूँगी विदाउट एनी क्रीम और विदाउट एनी चॉकलेट। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मफिन्स बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप मैदा, 1/2 कप आइसिंग शुगर, 1 कप मिल्क, 2 अंडे, 1/4 कप ऑयल, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल में 2 अंडे लेंगे, और ये अंडे रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, फ्रिज में रखे हुए नहीं लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम आइसिंग शुगर, और अब इसको बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। इसको मैंने 3 से 4 मिनट बीटर से बीट किया है। अगर आप हैंड बीटर से बीट करेंगे तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये फ्लफी सा हो गया, और वॉल्यूम में भी ये डबल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 कप दूध, 1/2 ऑयल ऐड करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। एक साथ डाल के हमें बीट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और बीट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। इन सबको हम अच्छे से छान के इसमें ऐड करेंगे ताकि किसी किस्म के लम्स बाकी ना रहें। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए देखिए कितने अच्छे से ये सब टुगेदर हो गया है। मैंने ओवन भी प्री हीट करने के लिए रख दिया था 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। मफिन ट्रे को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से।
इस मिक्सचर को मैंने एक जग में कन्वर्ट कर लिया है ताकि पोर आराम से हो जाए। अब हम इसको अवन में बेक करेंगे। आप चाहें तो पतीले में भी बेक कर सकते हैं प्री हीट करके उसको। पंद्रह से बीस मिनट के लिए इसको 180 डिग्री पे बेक करेंगे। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक करते हैं। स्टिक देखिए बिल्कुल साफ आई है, इट्स मीन ये रेडी हैं। इनको मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह 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 लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे। अब हम इसके किनारे स्पैचुला की मदद से थोड़ा ठंडा होने पे इस तरीके से हम इसको किनारों से रिमूव करेंगे। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। बहुत इजीली इसने अपने साइड्स देखिए छोड़ दिए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत रेडी हुआ है, इतना स्पंजी। ये देखें, ये बहुत प्यारा है। इसी तरह हम सब डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए अमेजिंग, कितने खूबसूरत बनाए। बाकी के भी हम इसमें दोबारा पोर करके और रेडी कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको भी हम अच्छे से रिमूव कर देंगे साइडों से। और ये देखिए, इस बार वाला तो और ऑसम बना है। मैं आपको दिखाती हूँ, वेल डन। कितने अच्छे फ्लफी फ्लफी, ये देखें, बहुत बहुत प्यारा बना है। ब्राउनी मफिन की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए ना मैं क्रीम का यूज़ करूँगी और ना ही चॉकलेट का। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में आपको इसकी टॉपिंग बनाना मैं बताऊँगी। इसके लिए हमारे पास है 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 5 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 कप दूध। दूध हम थोड़ा सा नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रॉस्टिंग की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बोल में हम ऐड करेंगे आइसिंग शुगर 5 टेबलस्पून, कोको पाउडर 3 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे।
और इसका मिक्सचर रेडी करेंगे। एक साथ दूध ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। देखिए मिक्सचर अच्छे से टुगेदर हो गया है। अब हम पैन में फ्रॉस्टिंग के लिए जो हमने मिक्सचर रेडी किया था इसको डाल देंगे। और बस हमने इसको स्टर करते रहना है और हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। देखिए थिक होना शुरू हो गया है, बस हमने स्टर करते रहना है। देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर 1 टेबल स्पून, ये मैंने मेल्ट किया हुआ है। देखिए फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आ जाए और नीचे पैन पे गाढ़ी गाढ़ी स्टिक होने लगे तो इट्स मीन ये रेडी है। अब हम मफिन्स पे फ्रॉस्टिंग अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे बंटीज से और स्प्रिंकल्स से। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, मज़ेदार ब्राउनी मफिन्स तैयार हैं। अंबर को भी बुलाते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। वाह लुक एट हियर अमेजिंग अमेजिंग शमाइला, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मतलब इतना प्यारा लग रहा है दिखने में ही, आंखों में ये बस दिल नहीं कर रहा कि मैं खाऊं, क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा है, इस कदर खूबसूरत लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही है ब्राउनीज तुम्हारी, बहुत प्यारी लग रही है। प्रेजेंटेशन कैसी है? बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन है, मैं वही व्यूअर्स को टर्न करके यहाँ से भी दिखा रही थी, बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन है, अमेजिंग, इट्स वेरी नाइस। तो चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। कि जी आपको टेस्ट करके बताते हैं, देखिए कितना प्यारी यमी सी, इतनी यम है ये, दिखने में इतनी यम है। नॉट अ टेस्टी फ्रॉस्टिंग। तो चलिए हम इसको आपको काट के दिखाते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, इट्स सो नाइस, कितनी खूबसूरत लग रही है देखिए।
स्पॉन्ज देखे, बेहतरीन स्पॉन्ज बना है। कहीं कोई लम्स, कोई गुठली और किसी किस्म का वो नहीं है। वाओ, चलिए खा के बताते हैं। यहाँ तक तो कामयाब हो गई हमारी सिस्टर। बेहतरीन प्रेजेंटेशन, 100 out of 100। बेहतरीन फ्रॉस्ट, क्योंकि मैंने चख ली है उंगली से, बहुत यम। अब मैं खा के बता रही हूँ आपको। तुम्हारा माइंड ब्लोइंग है। उसके ऊपर बंटी जो बोलते से आपको स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी। थैंक यू यार, बहुत अमेजिंग है, यकीन करो बहुत अमेजिंग है। मज़े की है, इतनी यमी है कि आप रुकेंगे नहीं। और आप अम्बा कह रही है अब मेरा बर्थडे का केक बाहर से नहीं आएगा, आप ही बनाइए। बनाई नर्म, मुलायम है यार। देखो स्पॉन्ज इतना नर्म है, इतना नर्म है ना, मज़े का टेस्ट आ रहा है। तुम्हारा वैनिला का, चॉकलेट का, कोको पाउडर का फ्रॉस्टिंग इतनी अमेजिंग है, बहुत मज़ेदार है। मैं कहती हूँ तुम्हारा आज तुमने सबसे सबसे बेस्ट डिश बनाई है। बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मैं बहुत बहुत आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। ऑसम, 100 out of 100, इतनी मज़े की, यमी, घर में बनाई है साफ सुथरी। और ये फ्रॉस्टिंग की रेसिपी अम्मी की है, क्योंकि अम्मी हमेशा लो बजट रेसिपीज़ बनाती थी, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है अपनी अम्मी की बनाई हुई रेसिपी। डायरी से ही मैंने बनाई थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मैंने अपनी ब्राउनी ख़त्म कर ली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।